हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से पासवर्ड चेंज करेंगे या पहले वाले अकाउंट के पासवर्ड को रिकवर करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊँगा। आप में से तो बहुत सारे लोग को ये पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन मोबाइल से ओपन करना है। मैं ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। आपका जो भी यूज़र नेम है या पासवर्ड है उसको डालकर और लॉगिन कर देंगे। चलिए मैं अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करता हूँ। ये देखें, हमारा अभी का पासवर्ड है लास्ट में 052। इसको लॉगिन करते हैं। अभी ये देखिए, ऊपर में थ्री लाइन है, इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद नीचे में आएंगे, ये देखिए सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर में देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए नीचे में सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद फिर नीचे देखें चेंज पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करना है। हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ करंट पासवर्ड में जो अभी हमने डाला था वो आपको डालना है, लास्ट में 052 था, ठीक है। उसके बाद न्यू पासवर्ड जो भी आप डालना चाहते हैं, तो चलिए मैं पासवर्ड सिमिलर ये रखता हूँ, लास्ट में सिर्फ 52 की जगह 51 कर देता हूँ। उसी पासवर्ड को, न्यू पासवर्ड को फिर से एक बार आपको रिपीट करना है। उसके बाद यहाँ देखिए सेव चेंज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये पहला ये देखिए रिव्यू अदर डिवाइस, और एक है स्टे लॉगिन। तो अगर इसी डिवाइस पर आपको लॉगिन रहना है तो यहाँ क्लिक करेंगे स्टे लॉगिन, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे डिवाइस पर इसको लॉग आउट कर लें तो ऊपर वाले क्लिक करना। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इसी डिवाइस पर हमको लॉगिन रहना है। ये देखिए हमारा हो गया है। अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ, आपको एक बार और शुरू से लॉगिन करके दिखाता हूँ कि हमारा पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं। तो मैं सबसे पहले ओल्ड वाला पासवर्ड आपको डाल कर देखूँगा। तो पहले वाला मैं पासवर्ड डालता हूँ। लास्ट में पहले वाले पासवर्ड में 52 था। ये देखिए इंटर्न एंड ओल्डर पासवर्ड, ये आपको लॉगिन नहीं होगा, इनकरेक्ट पासवर्ड। अभी मैं जो नया पासवर्ड डाला था वो डालूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए हो गया। ये तो हो गया पहला तरीका, जो आपको पासवर्ड मालूम है और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि आपको पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये लॉग आउट करके बताता हूँ। मैं यहाँ से इस अकाउंट को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको जिस नंबर से या ईमेल आईडी से पहले आप फेसबुक अकाउंट बनाए थे वो डालना है आपको। तो चलिए मैं नंबर से बनाया था, अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डाल दिया, अभी आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आपके पास है नहीं, पासवर्ड तो आप भूल चुके हैं, तो यहाँ देखिए नीचे में ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप ईमेल आईडी से बनाए हुए ईमेल आईडी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो नॉट नाउ करेंगे। मैं नॉट नाउ करता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल नंबर से बनाया हुआ था, मोबाइल नंबर पर ही रिकवर कोड आएगा, तो नॉट नाउ किया। यहाँ पर देखिए उस नाम से बहुत सारा अकाउंट आ गया, आपको कौन सा अकाउंट है इसमें से आपको चूज़ करना है। तो आप देखिए मैं अपने
प्रोफाइल पिक्चर से ही पहचान रहा हूँ, फर्स्ट वाला मेरा है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू 6 डिजिट का कोड आएगा, तो इस पर कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद आप जिस भी मोबाइल नंबर से फेसबुक अकाउंट पहले बनाया था उस नंबर पर 6 डिजिट का कोड आएगा। तो मैं दूसरे मोबाइल पर ये नंबर है तो उस पर मैसेज आएगा, जैसे ही मैसेज आता है मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये देखिए मैसेज आ चुका है, तो मैं डालता हूँ 797918। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद इसी डिवाइस में लॉगिन रहना चाहते हैं तो कीप मी लॉगिन, उसके बाद कंटिन्यू करना है। आपको जो भी नया पासवर्ड क्रिएट करना है वो यहाँ से डाल दीजिए, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए पासवर्ड रिमेंबर करने रहने के लिए बोल रहा है आपको, याद रखिए वो पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है। अभी ये लॉगिन हो रहा है, ये देखिए हमारे ये लॉगिन हो चुका है न्यू वाले पासवर्ड। तो अभी से जो पासवर्ड सेट किया है उसी पासवर्ड से आप उसको फिर से कभी भी लॉगिन करना है तो ये करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।